माधव 7 बज गए बेटे, उठ जा, 8 बजे बस आ जाएगी तेरी, जल्दी उठ। हाँ मम्मी, बस 2 मिनट, उठ रहा हूँ। नहीं जल्दी उठ, जल्दी से उठ माधव, ब्रश कर, चल जल्दी उठ। जल्दी कर ले मम्मी, अभी तो बहुत टाइम है। ले टिफिन और फटाफट जा, नहीं तो लेट हो जाएगा। मम्मी अभी 15 मिनट है बस आने में। बेटा 10 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए स्टॉप पे, ले और जा। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। भाई 10 बजने वाले हैं, कॉलेज जाना है या नहीं? मलिंगा से पूछ, कॉल कर उसे, वो आ रहा है कि नहीं। हाँ बे, आ रहा है या नहीं आज? कहाँ मतलब? तेरे बाप की शादी में, उसकी बारात निकलने वाली है ना आज। अरे कॉलेज पूछ रहा हूँ, आएगा या नहीं? ठीक है, ये नहीं आ रहा। साला इतना खाता है, लूज मोशन लगा के पड़ा है। ठीक है फिर, हम भी सो जाते हैं। नहीं यार मैं तो जा रहा हूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बाप को शिकायत कर देता है वो। अबे तो तकिया लेके कहाँ जा रहा है, बैग लेके जाना। हाँ हाँ ढंग से लिख के लाइयो और मेरी प्रॉक्सी लगा दियो प्लीज। हाँ लगा दूंगा। मम्मी मेरा टॉवल देना, मेरा बियर्ड शैम्पू भी देखा है क्या आपने? बाथरूम में ही होगा। अब लग रहा हूँ ना नया रणबीर कपूर। अबे साले देख भाई, 9 दिन हो गए। हाँ तो? तो आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तूने 10th में सोशल साइंस पढ़ी है? हाँ, पास होने के लिए तो पढ़ी है। ओनली 2% ऑफ वाटर ऑन द सरफेस इज फ्रेश। हमारे गांव में मेरी दादी 5-5 किलोमीटर हर रोज चल के बाजू वाले गांव से पानी भरने जाती हैं, तब जाके उन्हें पीने का पानी नसीब होता है। अबे लेकिन तेरी दादी को तो मरे हुए 6 साल हो गए। हाँ तो मेरे सपने में आती है वो और चिल्लाती है पानी बचाओ पानी बचाओ, और तुम होगी यहाँ 10 दिन मेरा नहीं रह सकते? छी, लाना था तुम। हाँ भाई बात तो ठीक है, हमारी गवर्नमेंट भी तो कहती है सेव वाटर सेव अर्थ, और अपनी अर्थ को बचाने के लिए अगर नहाने की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं दूंगा। भारत माता की जय। अबे ना नहाने के लिए 10th क्लास की SST भी याद आ गई तुम्हें? साला तुम्हारे कमरे के आसपास से ना चूहे भी निकलना छोड़ दिया, इतनी बास मारते हो। अबे चल इस बहाने चूहे तो नहीं आ रहे कमरे में। हट, मैं तो जा रहा हूँ नहाने, सड़ो यहीं पर। अबे तेरी बात तो छोड़ देते सालो। अबे नालिया। क्या बनाया? छोले चावल। मम्मी राजमा नहीं बना सकते थे क्या? सब्जी भी तो रखी है, सब्जी से खा ले, मत खा छोले। पत्ता गोभी। अच्छा ठीक है, तेरे लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। हाँ भाई सब्जी चढ़ा दी? हाँ जी चढ़ा दी। पच्चीस लोगों को खाना है, इतनी दाल तो बहुत रहेगी। सौ ग्राम पनीर ले आओ भाई। भाई इधर सुनियो। हाँ जी। स्विमिंग कॉस्ट्यूम होगी क्या? भैया मेरे पास कहाँ से आएगा? नहीं मैं इस काले पानी में तैर के दाल ढूंढ के लाऊंगा ना। और ये क्या है? खोया पनीर। पनीर कहाँ है इसमें? पनीर नहीं है इसीलिए तो खोया पनीर है। भाई
यार पेट नहीं भरा यार, कोई नहीं। आ गया, क्या लाया घर से? पुलाव। देख भाई टोटल 3 हिस्से होंगे इसके। क्यों, तू नहीं खाएगा? अबे तू नहीं खाएगा, मैं क्यों? तू तो लाया ही है ना। तो अबे तू तो खाता रहता है ना अपनी मम्मी के हाथ का खाना, अब हमारी बारी है। सुन लो सब, इस हॉस्टल में जो भी अपने घर से खाना लाएगा वो उसके अलावा सबको मिलेगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन नहीं है शासन। भाई फिर मैं क्या खाऊंगा यार? तू मैस में खा ले, बहुत अच्छा बना है। चाय गाइस। क्या बात है, आज तो सनी चाय लाया। अरे दिल पे ज्यादा बोझ मत लो राज भाई, आप ही के खाते में लिखवा के आया हूँ इसके पैसे। किसका फोन आ रहा है? आर्यन का है मम्मी। उठा ले फिर, नहीं तो 1 घंटा कॉल ही करता रहेगा। हाँ बोल। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ हेलो हेलो। हाँ डिम्पी, क्या हो गया तुम्हें? ना क्यों चिल्ला रहे हो, कान में मैल लग गया क्या? और तब से फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे अरे मम्मी थी इसलिए एक्टिंग कर रहा था। और बताओ। हाँ चैप्टर 2। हाँ वो तो मेरा हो गया यार, बहुत आसान है। अच्छा तूने नहीं किया अभी तक? मैं तेरे को करा दूंगा यार, कैसी बात कर रहा है? लाइक सेकंड, मेरी भी बात करा दे आर्यन से। आर्यन से? हाँ उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी ना, ला पूछ लेती हूँ। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, कट गया। हाँ जी मम्मा, प्रणाम। हाँ मेरी जान, आई लव यू, आई मिस यू। हाँ जी मम्मा। और कौन से कलर की ड्रेस पहनी है तुमने? बोलू, ये कौन बोल रहा है पीछे? कैसी कैसी बातें कर रहा है? पता नहीं मम्मी, यहाँ तो कोई नहीं है, वो पक्का कोई सीनियर होगा मम्मी। अबे साले तू कहना क्या चाहता है? तेरी ना मैं बोलू, कौन बोल रहा है ये? कितनी गंदी गंदी। मम्मी मैं अभी फोन करता हूँ, अभी फोन करता हूँ। हाँ जी पापा। नहीं नहीं पापा, बढ़िया है मैं एकदम। घर जैसा तो नहीं मिलता होगा बेटे, पर फिर भी ठीक ही मिलता होगा। हाँ अरे एकदम मस्त खाना मिलता है। ले मलिंगा तेरी सिगरेट। अच्छा मलिंगे। नहीं नहीं पापा, वो मेरे को नहीं कह रहा। अबे यार तू बियर तो पूरी पिया कर यार, आधा ग्लास छोड़ दिया। कह दे अपने बाप से बाद में कॉल करूंगा। तू तो बेटे घर आ। पापा हम मजाक कर रहे हैं। तू घर आ, तुझे तो इतना मारूंगा ना मैं, तू घर आ एक बारी। पापा तुझे बताता हूं। सालो तुम्हारे जैसे दोस्तों से अच्छा दुश्मन पाल लिया आदमी। माधव तेरे दिल्ली वाले अंकल आने वाले हैं बेटा, जल्दी से उठ जाओ, रूम साफ कर अपना। मम्मी मेरा कमरा देखने आ रहे हैं क्या? ठीक है तो उठ के ड्राइंग रूम साफ कर दे, वहाँ तो बैठेंगे ना। मेरे से कराना कुछ ना कुछ जरूर है बस। ले अब जाके कुछ खाने के लिए अच्छा से ले आ। मम्मी अच्छा सा होता क्या है, मैं जो भी लाऊंगा आप उसी में कमी निकाल दोगी। जो भी दुकान पे ताजा बन रहा हो वो ले आना। भाभी जी आपका घर इतना साफ रहता है, हमेशा हम इसे ऐसे ही देखते हैं। इनके बच्चे भी तो कितने समझदार हैं, तभी तो घर साफ रहता है। ये बॉय। भाभी बच्चे किसी के समझदार नहीं होते, सबके एक जैसे होते हैं। भोलू के पापा आ रहे हैं। भोलू भैया तुम्हारे पापा आ रहे हैं। हैं? पापा पापा कैसे आ रहे हैं? भाई पापा आ रहे हैं। भाई अभी क्यों आ रहे हैं? भाई मुझे नहीं पता लेकिन वो आ गए हैं। अरे यार ये कमरा कैसा हो रहा है यार। कूल कूल, समेट रहे हैं, सारा समेट रहे हैं। ओए उठ। हेलो। अबे वो मोटे। पांक पांक क्या करना है अब? भाई प्लीज इसे टॉयलेट में फेंका हो यार, प्लीज जल्दी करो यार। बाल सिंह उठा। बोलू। अरे पापा आप? आपने बताया भी नहीं आने से पहले। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अरे वाह जय। अब बेटा जरा मुझे फ्रेश होके आना था, बाथरूम किधर है? अंकल मैं ले जाता हूँ ना आपको। आइए। अच्छा आइए मैं ले जाता हूँ।
बेटा ये बाथरूम में कौन सो रहा है? पापा कमलेश होगा। वो अंकल, उसे नींद में चलने की बीमारी है, वो कहीं भी सो जाता है, है ना? अच्छा, बड़ी भयंकर बीमारी है तो। भोलू, मैंने कितनी बार बोला यार, अपने कमरे की चीजें मेरे कमरे में मत डाला कर, शरीफ लड़का हूँ यार मैं। क्या है इसमें? कुछ नहीं अंकल जी, कचरा होगा। अरे अंकल जी नमस्ते, कुछ नहीं बस बोतलें हैं। आ भाई अपना सामान ले। और ये जो तू भाभी जी की फोटोज मेरे कमरे में डाल गया, ये अपने कमरे में लगा, मैं क्या करूंगा अंकल इनका? भाई पता नहीं क्या बोलने जा रहा है, पापा मेरे को नहीं पता। कुत्ते, ये करने के लिए भेजा तुझे हॉस्टल? हाय गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर तुम लोगों ने हॉस्टल लाइफ जी ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें इस वीडियो को देखने में बहुत मज़ा आया होगा। और जिन लोगों ने अब तक नहीं जी है मेरी तरह, तो उन लोगों को आगे मज़ा आने वाला है। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। बाकी तुमने एक चीज़ और नोटिस की होगी इस बार कि मेरे घर की लोकेशन और मेरा घर काफ़ी चेंज हो रखा है इस वीडियो में। सो बेसिकली गाइज, हम लोग अभी दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो पहले वाला घर था वो, उसके अंदर रेनोवेशन चल रही है और एकदम नया सुंदर सा बन के आएगा वो, और थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा इस बार। सो बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी उसका मैं व्लॉग बनाता रहूँगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है। अभी इसी वाले घर में वीडियोज़ आएंगी जब तक वो रेनोवेट नहीं हो जाता ढंग से। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, मेरा मत जाना। बाय बाय।